गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। आपने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिए थे कि किस तरीके से जो ये तीन डोमिनेशंस का जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कि स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, कि उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर या फिर किसी भी वन रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, उसका हमने एक एग्जाम्पल भी ये देख लिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी एक धर्म का कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। ठीक है, वैसे ही आज हम सेकेंड जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने की या फिर अपने आप को बचाए रखने की किसी एक धर्म को प्रमोट करने से, वो सेकेंड जो उसकी स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उससे दूर रखती है, अपना इंटरफेरेंस उसके अंदर ऐसा नहीं करती है। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि दो दोस्त हैं जिन्होंने स्कूटर खरीदा है और दोनों दोस्त राइड पे गए हैं, और ये कह रहा है, एक दोस्त दूसरे को कह रहा है कि हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, व्हाई आरंट यू वेयरिंग अ हेलमेट। पहला दोस्त दूसरे को बोलता है कि आई होप कि तुम्हारे पास एक हेलमेट है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर ये रूल है कि बिना हेलमेट के आप टू व्हीलर नहीं चला सकते। ठीक है, और तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? तो जो सेकंड जो उसका फ्रेंड है, ठीक है, वो बोलता है कि मतलब वो सिख होता है रिलीजियन से, तो वो बोलता है कि डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, तुम चिंता मत करो मेरे पे फाइन नहीं लगेगा। तो हे परमीत वाई वोंट यू बी फाइंड, मतलब फिर जब वो वहां से निकल जाते हैं और पुलिस उनको फाइन नहीं करता उसके उस दोस्त को जिसने हेलमेट नहीं लगा रखा होता, तो वो पूछता है कि यार तुमसे फाइन क्यों नहीं लिया? तो वो बोलता है कि फॉर सिक्स, मतलब सिखों के लिए वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। वो बताता है कि सिखों के लिए पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनके धर्म का ही एक पार्ट है, धार्मिक रूप से उनको जरूरी है कि वो पगड़ी पहने। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट, इसलिए मुझे हेलमेट पहनने के लिए कोई भी गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती। इन द अबव बोर्ड स्टोरी बोर्ड परमजीत सिख यू डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट। देखिए आपने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा है उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिखों का जो धार्मिक प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं कर रही। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकोगनाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू अ सिख्स रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब कि जो इनका सिखों का धर्म है उसमें पगड़ी पहनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर इन दिस, और इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं कर रही। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन, और जो थर्ड वे है जिसके अंदर इंडियन जो गवर्नमेंट है या सेक्युलरिज्म है वो वर्क करता है, वो कैसे करता है? प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर, जो ये तीन डोमिनेशंस बताए गए थे ना यहाँ पर कि एक कम्युनिटी वाले दूसरे कम्युनिटी पर डोमिनेट कर लेते हैं या सेम कम्युनिटी के मेजर या फिर मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो दूसरी पर कर लेते हैं, ऐसा सब पढ़ा था ना हमने। ठीक है, या फिर ऐसे एक धर्म वाले दूसरे धर्म को डोमिनेट करते हैं, तो ये सारे डोमिनेशंस को के बचाव के लिए, प्रिवेंट के लिए दो रास्ते आपको बता दिए ऊपर, अब ये तीसरा रास्ता बताया है, स्ट्रेटेजी बताई है, स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। देखिए अभी अपन ने ऊपर इंटरफेरेंस और नॉन इंटरफेरेंस पढ़ा था, अब एकदम से हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरवेंशन। कैसे? यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, यानी आपने इस चैप्टर के अंदर अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर नंबर ऑफ द रिलीजियन, यानी अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स, यानी सेम ही मतलब धर्म के लोग हैं या सेम कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अपर कास्ट और लोअर कास्ट का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अपर कास्ट वाले जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं किसको? लोअर कास्ट वालों को विद इन इट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन। अब देखिए रिलीजियस के बेस पर आप किसी को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कैसे भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए इंटरवेंशन की एक स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई है, कैसे? इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर। ठीक है, कैसे? इन दिस इंटेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट। देखिए इन दिस इंटेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो
स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इंटरवेन कर सकती है रिलीजन के अंदर इन ऑर्डर टू एंड सोशल प्रैक्टिस, एक एक सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने के लिए दैट इट बिलीव्स, जो कि डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करे या फिर एक्सक्लूजन रखे किसी लोअर कास्ट को, ठीक है, और धर्म के नाम पर किसी का क्या हो जाना, एक्सक्लूजन हो जाना या फिर धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव हो जाना सीधा सीधा उसके फंडामेंटल राइट को हार्म करता है, ठीक है, जिसके खिलाफ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रेस्पेक्टेड, मतलब कि इक्वल सबको मान्यता दी जाएगी या फिर इक्वल रूप से सबको देखा जाएगा। इस वाला जो ये वाला जो एक पॉइंट है, ये भी इससे क्या होता है, वायोलेट होता है, क्योंकि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और किसी को कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन, इसीलिए स्टेट को इसके अंदर इंटरवेन करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज। यानी आप रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज नहीं बना सकते हैं हर कुछ कि वो लोअर कास्ट का है तो उसको टच नहीं करना या उसको इंफीरियर फील करवाना है या फिर उसके साथ भेदभाव करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है उसको रिलीजन ग्राउंड के ऊपर, तो ये सही नहीं है। तो ऐसी जगहों पर स्टेट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, ठीक है, जो कि सही भी है ताकि सबको इक्वल राइट्स मिल सके, उनको फंडामेंटल जो राइट्स मिले हैं उनका वायोलेशन ना हो। द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो भी इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अ राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेटअप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट ऑल्सो गिव्स दैम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। कई बार गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सपोर्ट के रूप में भी होता है, जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट्स टू रिलीजियस कम्युनिटी, यानी हमारे संविधान ने हमारे को ये अधिकार दे रखा है कि किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए खुद का स्कूल या कॉलेज जो है उसके थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं, ओपन करके लोगों को पढ़ा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर डोमिनेशन को रोकने के लिए किया गया है संविधान द्वारा, ताकि सबको क्या मिल सके, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। देखिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के धर्म को खराब बोलें या उन्हें उन्हें डिस्क्रिमिनेशन जैसा फील कराएं या इंफीरियर फील कराएं, ठीक है, सबको इक्वेलिटी दें। इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मतलब किस वे इंडियन सेक्युलरिज्म किस तरीके से डिफरेंट है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, जहाँ पर सेक्युलरिज्म तो है लेकिन हमारे यहाँ से वहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर, कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऊपर गिवन है हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के, वो सेम हैं अदर सेक्युलरिस्ट कंट्रीज से। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, US के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया लेजिस्लेचर को, यानी कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ नहीं बना सकती किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के लिए, और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचे या फिर उनके रिलीजन को फॉलो करने में बाधा बने। वॉट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पर वर्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि कोई भी लेजिस्लेचर ये डिक्लेयर नहीं कर सकती कि कोई जो पर्टिकुलर धर्म है वो उसका ऑफिशियल रिलीजन होगा उस स्टेट का, ऐसा अनाउंसमेंट कोई भी सरकार नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रेफरेंस दे सकती है। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. एक तरीके से Indian secularism different है US secularism से, कैसे देखते हैं। This is because unlike the strict separation, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है धर्म को स्टेट से, यानी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा धर्म का सरकार में और सरकार का धर्म में, ऐसा इंडियन सेक्युलरिज्म में नहीं है। द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, यहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में अगर जरूरत पड़े तो। यू हैव रीड अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी, और इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हम
देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान ने ये अधिकार दे रखा है इंटरफेयर करने का गवर्नमेंट को, अगर किसी के साथ पक्षपात होता है या किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचती है या उसका उल्लंघन या वायोलेशन किया जाता है तो। और इसका सीधा एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया हुआ है किसके ऊपर? अनटचेबिलिटी के ऊपर। और अगर ऐसा कोई भी करता है तो वो क्या है? गुनहगार है। किसकी नजर में? सरकार की नजर में। इन इंडियन सेक्युलरिज्म, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस ए वाइस रिलीजन। ओके, यहां पर ये कह रहा है कि इंडियन सेक्युलरिज्म बिल्कुल सेपरेट नहीं है, स्ट्रिक्टली अलग नहीं है, लेकिन क्या है? डिस्टेंस मेंटेन करता है किसी भी धर्म से। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideas laid out in the constitution. इसका मतलब यह है कि state interference तो कर सकता है religion basis के ऊपर या religious मुद्दों के अंदर, ठीक है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितने के ideals constitution ने हमारे को दिए हैं सिर्फ वहीं तक। यानी constitution ने जो भी ideals बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं पर based interference जो है सरकार कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। These ideals serves as a standard, और ये ideals as a standard serve करते हैं, यानी as a standard हमें दिए गए हैं कि यहीं तक आप क्या कर सकते हैं? Interfere कर सकते हैं, through which जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो state का interference है वो secular principle पे based है या नहीं, ठीक है। मतलब beyond the constitution या फिर beyond the ideals laid by the constitution कोई भी स्टेट नहीं जा सकता, ठीक है। इंडियन स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है और यहाँ पर धार्मिक डोमिनेशन के बचाव के लिए संविधान ने बहुत सारे उपाय दिए गए हैं जो कि हमारे लिए जरूरी भी है। फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दी सेक्युलर प्रिंसिपल, यहाँ तक कि हमें संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, और अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसको क्या कर सके? वक्त आने पर यूज कर सके। यही इस पैराग्राफ में दिया है। इसके साथ पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।